जीआई टैग की दौड़ में अयोध्या के खुरचन पेड़े, हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध लड्डू, अयोध्या का गुड़, टीका, खड़ाऊ को शामिल किया जा रहा है। जीआई टैग रजिस्ट्री चेन्नई की तरफ से स्वीकार किए जाने के बाद अब अयोध्या के व्यापारियों में उत्साह है। अयोध्या में खुरचन पेड़ा, हनुमानगढ़ी का लड्डू बहुत ही प्रसिद्ध है। अयोध्या आने वाले हर व्यक्ति अपने साथ अयोध्या की प्राचीन मिठाई को ले जाना नहीं भूलते। अयोध्या की प्रसिद्ध मिठाई को जीआई टैग की दौड़ में शामिल किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अयोध्या के संतों में भी अयोध्या की ख्याति बढ़ने में संतों के साथ स्थानीय व्यवसायी में भी इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि इससे अयोध्या को नई पहचान मिलेगी, साथ ही हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। अयोध्या में 3 पीढ़ियों से प्रसिद्ध खुरचन का पेड़ा बना रहे चंद्रा परिवार, जो कि खुरचन पेड़े के लिए ही प्रसिद्ध हैं, उनके परिवार में भी इसको लेकर उत्साह है। प्रतिदिन रामलला को खुरचन का पेड़ा भोग भी लगाया जाता है, यही प्रसाद लोगों में बांटा जाता है। खुरचन के सुप्रसिद्ध पेड़े हनुमानगढ़ी के लड्डू को श्रद्धालु अपने साथ ले जाते हैं, प्रसाद के तौर पर घर घर से यहाँ से जाता है, जिसको लेकर अब स्थानीय व्यापारी कहते हैं कि हम इसके निर्माण को लेकर भी विशेष सावधानियां रखते हैं, क्योंकि भगवान के मठ मंदिर में इसका भोग लगता है और श्रद्धालु इस श्रद्धा के साथ अपने साथ प्रसाद के तौर पर ले जाते हैं। ऐसे में हम यह चाहते हैं कि कितना शुद्ध और अच्छे से अच्छा पेड़ा श्रद्धालुओं को दे सके। ये पहले तो हम लोग दाना खोलते हैं, चीनी का दाना खोला जाता है, दाना खोल के उसको रख दिया जाता अलग, उसके बाद देसी घी जो है और बेसन मिला के बेसन को भूजा जाता है। इतना भूजा जाता है कि जब तक सोंध सोंध मतलब टाइप करना लगने लगे तब तक जो है उसको भूजते रहते हैं, एकदम कत्थई टाइप का जब हो जाता है तब उसी दाने को बेसन में मिला के हम लोग ठंडा करते हैं, ठंडा करके तब उसको बांधते हैं। अच्छा, और खुरचन पेड़ा? खुरचन पेड़े का महत्व ये है, जैसे अब हमने एक कढ़ाई में 5 किलो खोया डाला तो जब वो खोया 2.5 किलो बच जाता है, हो जाता है, 2.5 किलो जल जाएगा और 2.5 किलो बचेगा, लाल लाल हो जाएगा, लच्छा छोड़ देगा कलाई में, तब उसको उतारा जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं खुरचन पेड़ा। अच्छा, आप कैसे आप बोलते हैं? सबसे बड़ी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री जी को, दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई जो इसके लिए उन्होंने सोचा और यहाँ के लड्डू और खुरचन पेड़ा को जीआई टैग मिला। हम लोग कभी इस चीज़ का कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसा भी अयोध्या में ये दिन आएगा कि जो हम लोग हमारे पूर्वज ये बिजनेस कर रहे हैं इसको जीआई टैग, जो कि पूरे भारत में इसकी चर्चा हो जाएगी, ये कभी नहीं सोचा था। आज हनुमान जी का आशीर्वाद और बहुत खुशी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस खुशी का क्या, मैं आपको उजागर नहीं कर सकता हूँ, इतनी खुशी है। विकास गुप्ता। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है कि खुरचन पेड़े को जीआई टैग मिलने जा रहा है और ये हमारी 3री पीढ़ी है, जो पेड़े के जन्मदाता हम ही लोग हैं जो खुरचन पेड़े के नाम से जाना जा रहा है। और सबसे पहले प्रभु राम का भोग हमारे ही दुकान से खुरचन पेड़े का लगा, ये पेड़ा पहले शुद्ध दूध से खोया तैयार किया जाता है, खोए से पेड़ा तैयार किया जाता है, कम से कम इसको बनने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। सुप्रसिद्ध खुरचन पेड़ा है ये और जीआई टैग मिल रहा है, ये बहुत ही हर्ष की बात है कि अयोध्या में खुरचन पेड़े की बात ऊपर हो रही है जी। प्रसाद के रूप में ये मंदिर मठों में जाता है खुरचन पेड़ा, जिसका भोग लगता है, क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है, एकदम शुद्ध है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है हम लोग की शुद्धता से बनाई जाए। जी, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। रंजीत कुमार गुप्ता।